कानपुर देहात के थाना रूरा के अंतर्गत छेड़छाड़ से परेशान होकर एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किशोरी रोज रोज की छेड़छाड़ से तंग आ गई थी। लोग लाज के डर से वह किसी को शिकायत भी नहीं कर रही थी। कुछ दिन पहले ही उसने अपने परिवार को जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रूरा थाना के अंतर्गत एक गाँव में रहने वाली किशोरी मोहल्ले में रहने वाले आरोपी निशु की छेड़खानी से परेशान हो गई थी। परिजन समाज लोक लाज के चलते थाने में शिकायत नहीं दर्ज कर रहे थे, जिसके चलते निशु के हौसले बुलंद हो गए थे। वह किशोरी के साथ अब आते जाते छेड़खानी करने लगा था। मृतक किशोरी के पिता ने बताया कि पत्नी की तबीयत नहीं ठीक थी और वह पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। इस दौरान किशोरी अकेली थी। किशोरी को घर में अकेला पाकर आरोपी निशु घर में घुस गया और छेड़खानी करने लगा। उसके शोर मचाने पर मोहल्ले के अन्य लोग आता देख आरोपी वहाँ से भाग गया। जब वह पत्नी के साथ घर पहुंचा तो मोहल्ले वालों ने घटना की जानकारी दी। पूरी बात बताई और वह घर के अंदर गया तो देखा कि किशोरी फंदे से लटकी हुई है, जिसके बाद किशोरी के पिता ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।